डिवाइस के सही उपयोग से अस्थमा के निदान में लंबी अवधि तक लाभ मिल सकता है। थेरेपी डिवाइस के उपयोग की सही जानकारी से रोगी का संतोष बढ़ता है, स्वास्थ्य परिणाम बेहतर होते हैं और स्वास्थ्य रक्षा संसाधनों का उपयोग कम होता है। अस्थमा में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनहेल्ड मेडिसिन पर बहुत कुछ निर्भर करता है जो श्वसन रोगों के उपचार के लिए जरूरी होती है। वे दवा को सीधे फेफड़ों तक पहुंचाती है, इस प्रकार वे कम खुराक में तेजी से कार्य करती है और साइड इफेक्ट्स का जोखिम भी कम होता है। इनहेल्ड मेडिकेशन से रोग में सुधार होता है, लक्षण नियंत्रित होते हैं, पीड़ा कम होती है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। लेकिन यदि इनका सही तरीके से उपयोग ना किया जाए तो स्थिति बिगड़ सकती है। महाराष्ट्र में 40 से 69 वर्ष आयु वर्ग में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण स्थायी श्वसन रोग है और 15 से 39 वर्ष आयु वर्ग के लिए यह मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। वर्ष 1990 में COPD मृत्यु और विकलांगता का 9वां सबसे बड़ा कारण था, जबकि वर्ष 2016 में यह दूसरे नंबर पर आ गया है। इस प्रकार हम श्वसन रोग की समस्या और उसे नियंत्रित करने की जरूरत को समझ सकते हैं। परसेप स्टडी ने भारत में इनहेलेशन थेरेपी पर चिकित्सकों के ध्यान और अभ्यास का मूल्यांकन किया और दर्शाया कि डिवाइस की गलत ट्रैकिंग और इनहेलेशन थेरेपी को न अपनाने के कारण 61 से 67% चिकित्सकों को अच्छे परिणाम नहीं मिले हैं। अस्थमा के प्रबंधन पर शिक्षा और जागरूकता आज की जरूरत है। रोगियों को अस्थमा प्रबंधन योजना का भागीदार समझा जाना चाहिए, इससे स्वास्थ्य रक्षा परिणाम बेहतर होंगे और रोगियों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। विभिन्न उपलब्ध इनहेलर डिवाइसेस में प्रेशराइज मीटर डोज इनहेलर्स, ड्राई पाउडर इनहेलर्स और नेबुलाइजर शामिल है। भारत में लगभग 90% चिकित्सकों ने कम से कम 40% अस्थमा और COPD रोगियों की पहली क्लिनिक विजिट में इनहेलर डिवाइसेस का परामर्श किया। कई रोगियों को PMDI का सही उपयोग करने में कठिनाई होती है। हाथ और सांस का खराब समन्वय PMDI के साथ होने वाली आम त्रुटियों में से एक है। DPI सांस से सक्रिय होते हैं, इसलिए इनमें हाथ और सांस के समन्वय की समस्या नहीं होती है। हालांकि DPI का सही उपयोग करने में भी कुछ रोगी विफल होते हैं। DPI के साथ रोगी जो त्रुटियां करते हैं उनमें सबसे आम है डिवाइस से ताकत लगाकर गहराई तक खींचना और इस गलती के कारण दवा पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाती है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट। कि आपल्या महाराष्ट्र मध्ये ही बीमारी खूप कॉमन आहे, कारण की आपल्या महाराष्ट्र मध्ये इंडस्ट्रियलायझेशन खूप वाढून राहिलं आहे, पॉल्युशन खूप वाढून राहिलं आहे, व्हेइक्युलर पॉल्युशन हे खूप आहे आणि हे तर अर्बन एरियामध्ये जे सिटीजमध्ये आहे हे कारणीभूत असते। दुसरं रुरल एरियामध्ये पण ही बीमारी पुष्कळ जास्त आहे आणि सर्वात मेन कारण या बीमारीचं रुरल एरियामध्ये चुला स्मोक, जे आपण चुल्यावर लेडीज म्हणजे बायका काम करतात, तो चुलाचा जो धुवा असतो तो खूप हानिकारक असतो आणि त्याच्यामुळे हे ह्या दोन्ही COPD किंवा हे अस्थमा नावाची बीमारी होते। याच्यामध्ये सर्वात मेन म्हणजे ही बीमारी म्हणजे बेसिकली ब्लड प्रेशर शुगर सारखी आहे। म्हणजे या बीमारीमध्ये आपल्याला रेग्युलर औषधं ठेवावं लागतात। जनरली आपण हा एक मिस